राजस्थान में कहां गायब है योगी बालकनाथ? मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार बालकनाथ कहां गए? इधर से भजन लाल इन, उधर से बालकनाथ आउट हो गए। बाबा बालकनाथ राजस्थान में बीजेपी की जबरदस्त जीत के बाद, बीजेपी को बहुमत मिलने के बाद, एक नाम जो जोरों शोरों से सीएम चेहरे के तौर पर सामने आया। औपचारिक तौर पर ऐलान कुछ नहीं किया गया, लेकिन बालकनाथ के नाम के आगे सीएम के मोहर मानो लगने ही वाली थी। लेकिन इसी बीच में बीजेपी आलाकमान ने पलटी मारी और बालकनाथ को तो कुछ नहीं, भजन लाल शर्मा सीएम बना दिए गए। डिप्टी सीएम पद भी दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को दे दिया गया। सभी ने अपने अपने पद और गोपनीयता की शपथ भी ले ली, लेकिन सवाल एक नया खड़ा हो गया है कि बालकनाथ कहां गए। जी, बालकनाथ 9 दिसंबर की रात 9:53 पर ये उन्होंने लिखा था कि पार्टी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जनता जनार्दन ने पहली बार सांसद व विधायक बनाकर राष्ट्र सेवा का अवसर दिया। चुनाव परिणाम आने के बाद से मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को नजरअंदाज करें, मुझे अभी भी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अनुभव प्राप्त करना है। बालकनाथ के इसी ट्वीट से अनुमान लगाया जाने लगा था कि बालकनाथ को राजस्थान सीएम का पद नहीं मिलने वाला है। और वैसे भी इस तारीख के बाद का अगर बालकनाथ का आप सोशल मीडिया अकाउंट छानेंगे तो देखेंगे कि बालकनाथ ने राजस्थान के लिए आलाकमान की तरफ से तय नामों को स्वीकार कर लिया है। उनको यकीन है कि राजस्थान में अब जब बीजेपी की सरकार आ गई है तो राजस्थान की सूरत बदल जाएगी, भले सीएम पद के लिए उनका नाम न लिया गया। संतुलन बहुत अच्छा है और सभी के सहयोग से, और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजन लाल जी हैं, उनके साथ डिप्टी सीएम दिया जी हैं, बैरवा जी हैं, और हमारे स्पीकर हैं देवनानी जी हैं, सबके साथ मिलकर उनके मार्गदर्शन पर और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर राजस्थान विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। इसके अलावा सीएम पद पर कौन बैठेगा, जब ये ऐलान हो गया तो फिर योगी बालकनाथ ने खुद जाकर भजन लाल शर्मा को गुलदस्ता भेज कर उनके साथ अपनी फोटो को सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से साझा किया। योगी बालकनाथ ने लिखा, बहुत बहुत बधाई, आज की सबसे सुंदर फोटो। साथ ही योगी बालकनाथ ने शपथ ग्रहण वाले दिन ही भजन लाल शर्मा को जन्मदिन की बधाई भी दी। योगी बालकनाथ ने लिखा, राजस्थान भाजपा विधायक दल के नेता श्री भजन लाल जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही शपथ ग्रहण की भी कुछ तस्वीरों को योगी बालकनाथ ने साझा किया। लिखा, श्री भजन लाल जी को राजस्थान के मुख्यमंत्री और श्रीमती दिया कुमारी जी एवं श्री प्रेम बैरवा जी को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बालकनाथ इसी तरह से राजस्थान में सरकार बनाने को लेकर जो जो काम हो रहा था सब पर नजर बनाए हुए थे, लेकिन हाँ, जिस हिसाब से उन्हें सीधा सीएम पद मिलने के अनुमान लगाए जा रहे थे वो सारे अनुमान हवा हवाई ही साबित हुए। अनुमान भी तो ऐसे लगे थे कि अधीर रंजन चौधरी तो उन्हें राजस्थान का सीएम मान ही चुके थे। देखिए, नया सीएम बन रहे हैं ना सर, सीएम बनते ही पहला काम क्या करेंगे? नया सीएम बन रहे हैं ना सर, सीएम बनते ही पहला काम क्या करेंगे? अरे भाई, शपथ ग्रहण समारोह भी हो गया है तो बालकनाथ को जो विधायक पद की जिम्मेदारियां मिली हैं उसी से संतोष करना पड़ेगा। वैसे आपको थोड़ा विस्तार से बता देते हैं कि योगी बालकनाथ हैं कौन। महान बालकनाथ का जन्म राजस्थान के अलवर जिले के कोहराना गांव में साल 1984 में हुआ था। योगी बालकनाथ के पिता सुभाष यादव एक किसान थे, जबकि उनकी माता उर्मिला देवी गृहिणी थी। बालकनाथ के परिवार ने 6 साल की उम्र में ही अध्यात्म की पढ़ाई के लिए उन्हें महंत खेतानाथ के पास भेज दिया था। महंत खेतानाथ के बाद वो महंत चांदनाथ के साथ रहने लगे। महंत चांदनाथ ने साल 2016 में उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुना। बालकनाथ नाथ संप्रदाय के 8वें संत हैं और साथ ही योगी बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के चांसलर भी। बालकनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी माने जाते हैं। राजनीति में पहली बार बालकनाथ तब चर्चा में आए थे जब बीजेपी ने साल 2019 में उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए उतारने का फैसला लिया। राजस्थान के अलवर से उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा और कद्दावर कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर सिंह को 3 लाख से भी अधिक वोटों से मात दे दी। राजस्थान में तिजारा विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बाबा बालकनाथ को 6,173 वोटों से जीत मिली है। कुल 20 राउंड की गिनती के बाद योगी बालकनाथ को 1,10,209 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस के इमरान खान को 1,04,036 वोटों के साथ हार का सामना करना पड़ा। वैसे योगी बालकनाथ को लेकर जो लोग सोच
सोच रहे हैं कि सीएम पद के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे बालकनाथ कहां चले गए, वो यही है और प्रदेश में बीजेपी को जो सत्ता मिली है उसका आनंद ले रहे हैं और अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए तत्पर तैयार दिखाई दे रहे हैं। ऐसे योगी बालकनाथ को लेकर सवाल उठाने वालों के लिए आप क्या कहेंगे, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।